बापू, ये हमारे इतिहास में, और ये एक घटना मैं बता रही हूँ, हमारे इतिहास में जो हुआ था इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद एक घटना हुई जिसके बारे में अब मैं आपसे विस्तार में पूछना चाहती हूँ। मैं पहले बताऊंगी क्या हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए गए थे। उस वक्त पंडित नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात का विरोध किया था और बात इतनी आगे बढ़ गई कि महाभियोग लाने तक की बात आ गई, इम्पीचमेंट की बात आ गई। और पंडित नेहरू का यह मानना था कि भारत में स्टेट और रिलीजन, आप इन दोनों को आपको अलग रखना है, इसे साथ नहीं आने देना है। ये जो घटना हुई, इतनी पुरानी बात हुई, इससे कुछ लोगों का मानना है एक पूरी ट्रेडिशन बन गई कि ऐसा ही रहना है हमारा राजनीति और हमारा देश। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ये डिटेल्स मैंने आपको बताई कि क्या हुआ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राजेंद्र बाबू जो हमारे आजाद भारत के प्रमुख राष्ट्रपति हुए, और शायद मैं न भूलता हूं तो जब ये चर्चा चली तब उसने भी यही कहा कि मैं राष्ट्रपति तो हूं लेकिन मेरी एक व्यक्तिगत श्रद्धा का भी प्रश्न होता है। जैसे सुनक जी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत हिंदुत्व के नाते यहाँ आया, तो राष्ट्रपति गए, पर आपको तो पता होगा कि राजेंद्र बाबू एक ऐसे राष्ट्रपति हमारे हमको प्राप्त होते हैं कि वो साधु संतों को राष्ट्रपति को बुलाते थे, उसके सत्संग रखते थे, उसने गोपी गीत भी करवाया था और हमारे स्वामी शरणानंद जी को अक्सर बुला करके उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते। सोमनाथ शिव तो विश्व का, शिव माने विश्व का कल्याण करने वाला परम तत्व, शुभम करो सबका शुभ, और ऐसी शुभ की स्थापना के लिए भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राजेंद्र बाबू गए, और ये तो स्वागत योग्य घटना है, बड़ा परम संदेश। समय पंडित जी का जो विचार हो जो हुआ हो, लेकिन ये भी अपनी निष्ठा से निर्भयता से लिया गया कदम था, स्वागत। बापू, प्रधानमंत्री हमारे आज नरेंद्र मोदी जी, आपके पास ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए, आपसे जय सियाराम कहा, मैं हिंदू हूं, ये भी कहा कि मैं पूजा आरती करता हूं, लोगों को खाना खिलाता हूं अपने कजन्स के साथ में, उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था तो ये सब कुछ करता था, सब सारी बातें उन्होंने अच्छे से बताई। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ जाते हैं या अयोध्या जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, बड़ी आलोचना होती है, बड़ी निंदा होती है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है, ये गलत है? जाना चाहिए, क्यों ना जाए? प्रधानमंत्री है तो क्या वो इंसान मिट गए? क्या उसका धर्म स्वभाव मिट गया? वो जाए मंदिरों में दर्शन, आज तो सब जाने लगे बहन जी, आप जानते हैं सब मंदिरों। लेकिन मैं कभी कभी विनोद में भी कहता हूं कि हमारे हनुमान जी लंका में गए तो हरेक मंदिर में गए, पर हनुमान जी को पूछा गया मंदिर मंदिर पते करी सोधा, ऐसा मानस में लिखा, तो हर मंदिर में हनुमान जी गए। कोई मुझे पूछता है कि हनुमान जी भी मंदिर मंदिर गए? आज के कुछ लोग भी जब अवसर आता है तो मंदिर मंदिर जाते हैं, हम सुनते हैं अखबार से। मैं इतना ही कहता हूं कि हनुमान जी सीता की खोज के लिए गए थे मंदिर, आज लोग सत्ता की खोज के लिए जाते हैं।